ये जो पाश्चात्य जगत के लोग अपने इस भारतवर्ष के अंदर आकर के अनेक प्रकार के जो षड्यंत्र चलाते हैं, लेकिन भारतवर्ष के एक अकेले संत हैं हमारे पूज्य श्री आसाराम बापू जी, वो पहले एक संत हैं जिन्होंने इतनी आवाज़ उठाई। और मैं तो समझता हूँ कि इस प्रकार के जब कार्य उन्होंने किए देश के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने हिंदू सनातन धर्म के लिए, तो पाश्चात्य संस्कृति और अन्य जो धर्म के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ बात ऐसी लगी जिसके कारण बापू के ऊपर इस प्रकार के ये प्रत्यारोप लगे हैं, उनके ऊपर जो आक्षेप हैं। मैं समझता हूँ कि मेरे मन से मैं कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल निराधार साबित हो सकते हैं। कोई ऐसे कानून ही भी ऐसे बने हैं जिसको लेकर के हमारे हिंदू सनातन धर्म के जो संत होते हैं उनके ऊपर इस प्रकार के आक्षेप लगा देते हैं। आज तो बापू के ऊपर और भी कई संतों के ऊपर, छोटे छोटे संतों के ऊपर भी इस प्रकार के आक्षेप, क्योंकि बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है अपने हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए। भारतीय संस्कृति का धरोहर होता है एक संत संस्कृति, उसको अगर नष्ट कर देंगे ना तो फिर सनातन धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोगों को तो ऐसे ही नष्ट होना है। आंदोलन के माध्यम से शांतिप्रिय अनुशासन तरीके से आंदोलन करके सरकार तक बात पहुंचाना पड़ेगी, तभी जाकर के हमारे भारत के संत बच पाएंगे। शासन तो वोट की राजनीति करती है और वोट की राजनीति करने वाले लोग जो होते हैं धर्म को और संतों को बचा नहीं पाएंगे। संतों को बचाने के लिए अगर समय मांग करता है ना तो अपने प्राणों की आहुति लगाने के लिए भी हिंदू समाज को जागृत रहने की आवश्यकता है। हम ये चाहते हैं कि विकास होना चाहिए, भारत देश का विकास होना चाहिए, लेकिन धार्मिक और आध्यात्मिक विकास जब तक नहीं होगा तो सिर्फ राम की जय जयकार करने से, गौ माता की जय जयकार करने से ये भारत नहीं बचेगा। इसको बचाने के लिए गाय को बचाना पड़ेगा, संतों को बचाना पड़ेगा। हमारी भारतीय संस्कृति की महानता है, तभी जाकर के आज विश्व के अंदर अपने इस भारत देश का नाम है। नहीं तो नेता नहीं कर सकते हैं साहब। मैं नेताओं से और वर्तमान सरकार से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि आप गाय के लिए कुछ कीजिए, संतों के लिए कुछ कीजिए। हमको विकास चाहिए, गोमाता का विकास चाहिए, हमको विकास चाहिए, संतों का विकास चाहिए। अगर इस देश को या विश्व को बचाना है तो गोमाता को बचाने की परम आवश्यकता है। गावो विश्वस्य माता रहा, हमारी जो गोमाता है वो पूरे विश्व की माता है। उसके लिए गाय, गंगा, गोमाता, गुरु, गोविंद, इन पांच प्रकार की जो गकार है हमारे, इनके प्रति अगर जन सामान्य भारतवर्ष की जनता अगर लगती है, पूरा हिंदू सनातन धर्म लगता है, तो बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण प्रस्तुत हो सकता है देश के लिए। महाराज जी आज देख रहे हैं कि भारत देश के अंदर एक हिंदू संत संत आसाराम जी बापू, उन्होंने भी गौ सेवा के प्रति बहुत उनका लगाव रहा है। काफ़ी सारे उनके भारत भर में जितने भी आश्रम हैं वहाँ आपको गौशाला देखने को मिलेगी। मातृ पितृ पूजन दिवस को, तुलसी पूजन दिवस को, और आदिवासी क्षेत्रों के अंदर जो गरीब लोग होते हैं उनको जीवन उपयोगी चीज वस्तु देकर जो धर्मांतरित हुए लोग होते हैं, ये तो बापू ने उनके घर वापसी करवाई। तो आज एक संत पिछले 9 सालों से निर्दोष होते हुए, मतलब मेडिकल रिपोर्ट देखने जाओ तो क्लीन चिट है, मतलब लड़की के शरीर पर खरोंच तक की निशान नहीं है, उसके बावजूद वो जेल के अंदर है, तो उसके विषय में क्या कहो? इस भारतवर्ष के अंदर जब धर्म को लेकर के और जब राष्ट्र चिंतन की बात होती थी, देश की बात होती थी, राष्ट्र की बात होती थी, धर्म की बात होती थी, और ये जो पाश्चात्य जगत के लोग अपने इस भारतवर्ष के अंदर आकर के अनेक प्रकार के जो षड्यंत्र चलाते हैं, तो अनेक प्रकार के हमारे धार्मिक संगठन हैं, उन संगठनों ने आवाज़ उठाई है, लेकिन भारतवर्ष के एक अकेले संत हैं हमारे पूज्य श्री आसाराम बापू जी। क्योंकि मैं जब पढ़ता था नामली में, पंचड़ आश्रम पास में ही है, मैं स्वामी जी से मिलता रहता था, और कहीं भी ऐसे कोई संत नहीं थे भारतवर्ष के अंदर जिन्होंने इस प्रकार की आवाज़ उठाई हो धर्म को लेकर के। और हमारा जो धर्म परिवर्तन होता है, पूरा हमारा ये जो आदिवासी बाहुल्य है, जो गिरी गुफाओं में हमारे आदिम जाति के लोग जो रहते हैं, उनका धर्म परिवर्तन होता है। तो बड़े बड़े मंचों के माध्यम से बापू जी की कथा में लाखों की संख्या में लोग होते थे, उसमें बैठ करके बापू जी लाखों की संख्या में लोगों को और पूरे विश्व के अंदर एक आवाज़ पहुँचाई है पूज्य बापू जी ने। वो पहले एक संत हैं जिन्होंने इतनी आवाज़ उठाई। और मैं तो समझता हूँ कि इस प्रकार के जब कार्य उन्होंने किए देश के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने हिंदू सनातन धर्म के लिए, तो पाश्चात्य संस्कृति और अन्य जो धर्म के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ बात ऐसी लगी जिसके कारण बापू के ऊपर इस प्रकार के ये प्रत्यारोप लगे हैं। मैं तो समझता हूँ कि बापू के ऊपर जो आक्षेप हैं, मैं समझता हूँ कि मेरे मन से मैं कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल निराधार साबित हो सकते हैं। और अगर यूँ देखा जाए तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है हमारा हिंदू सनातन धर्म के जो संत होते हैं उनके ऊपर इस प्रकार के आक्षेप लग जाते हैं। बाकी जो अन्य धर्म के जो लोग होते हैं उनके ऊपर इस प्रकार की बात अगर कोई सोचता भी है तो उसको देर लगती है सोचने में। हमारे अंग्रेजों के समय से बातें चली आ रही है हमारे सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को दबाने के लिए इस प्रकार के षड्यंत्र, और कोई ऐसे कानून ही भी ऐसे बने हैं
जिसको लेकर के हमारे हिंदू सनातन धर्म के जो संत होते हैं उनके ऊपर इस प्रकार के आक्षेप लगा देते हैं। कानूनी ऐसे बने हैं, कानून में बदलाव होना चाहिए, कानून में बदलाव होना चाहिए, और सबसे बड़ा बदलाव होना चाहिए हमारे हिंदुस्तान के जो सनातनी है, हिंदुस्तान के जो हिंदू लोग जो हैं उनको जागने की आवश्यकता है। जब तक हिंदू जागेगा नहीं ना, तब तक आज तो बापू के ऊपर और भी कई संतों के ऊपर, छोटे छोटे संतों के ऊपर भी इस प्रकार के आक्षेप, क्योंकि बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है अपने हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए। एक संत है, संत समाज जो होता है अपनी भारतीय संस्कृति की एक बहुत बड़ी पोषक तत्व होती है। संत भारतीय संस्कृति का धरोहर होता है, एक संत संस्कृति, उसको अगर नष्ट कर देंगे ना तो फिर सनातन धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोगों को तो ऐसे ही नष्ट होना है। संतों को एकजुट होकर के इस प्रकार सरकार से बात करना चाहिए, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से भी सरकार से बात करके, ऐसे संगठन के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, शांतिप्रिय अनुशासन तरीके से आंदोलन करके सरकार तक बात पहुंचाना पड़ेगी, तभी जा करके हमारे भारत के संत बच पाएंगे। नहीं तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र में सब लोग फंस जाएंगे और अपने हिंदू सनातन धर्म की बहुत बड़ी दुर्गति हो जाएगी अगर जनता जागरूक नहीं हुई। मैं तो यहाँ तक भी कहना चाहूँगा कि शासन भी कुछ नहीं कर पाएगी, शासन तो वोट की राजनीति करती है और वोट की राजनीति करने वाले लोग जो होते हैं धर्म को और संतों को बचा नहीं पाएंगे। सनातनियों को आवाज़ उठाना पड़ेगी एकजुट होकर के, और शांति से बैठने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए अगर धर्म को बचाने के लिए, संतों को बचाने के लिए अगर समय मांग करता है ना, तो अपने प्राणों की आहुति लगाने के लिए भी हिंदू समाज को जागृत रहने की आवश्यकता है। हमारे बड़े बड़े सूरवीर ऐसे हुए, क्रांतिकारी ऐसे हुए हैं जो अपने इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए, संतों के लिए और गुरुओं के लिए, धर्म ग्रंथों के लिए, जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति लगा दी है। इस प्रकार बैठने से काम नहीं चलेगा, हम जागरूक हो जाएंगे, शासन तक आवाज़ पहुंचेगी ना, तो इस प्रकार के जो पाश्चात्य संस्कृति के अपने ऊपर जो षड्यंत्र चल रहे हैं वो दूर होंगे। नहीं तो वो दिन दूर नहीं, कुछ लोग कहते हैं कुछ नहीं होता है, क्या कुछ नहीं होता है, काश्मीर में जाकर के देख लो, 25 लाख ब्राह्मणों को रातों रात काश्मीर छोड़ करके दिल्ली में आकर के शरण लेना पड़ी उनको, और आज भी वो झुग्गी झोपड़ी में रह करके भीख मांगते फिर रहे हैं। ये दिन दूर नहीं है कि जो जन सामान्य तक भी इस प्रकार के षड्यंत्र सफल हो सकते हैं, इसलिए हमको जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है। हम ये चाहते हैं कि विकास होना चाहिए, भारत देश का विकास होना चाहिए, लेकिन धार्मिक और आध्यात्मिक विकास जब तक नहीं होगा, तो सिर्फ राम की जय जयकार करने से, गौ माता की जय जयकार करने से ये भारत नहीं बचेगा। इसको बचाने के लिए गाय को बचाना पड़ेगा, संतों को बचाना पड़ेगा, धर्म को बचाना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेंगे, ब्राह्मणों का सम्मान करना पड़ेगा, प्रत्येक जीव के अंदर नारायण होता है, ऐसे सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करना पड़ेगा, तभी जाकर के अपना जो भारतवर्ष है ना, इस भारतवर्ष का नाम तो इस देश के विश्व के अंदर इसलिए चल रहा है साहब कि प्राचीन ऋषियों ने गिरी गुफाओं में, कंदराओं में बैठ करके अनेक प्रकार की तपस्या करके ऐसे ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। आज हम तुलसी के पत्ते को भी तोड़ते हैं तो उसको भी नाखून से नहीं तोड़ते हैं, पृथ्वी माता को हम प्रणाम करते हैं, आकाश को हम पिता मानते हैं, चंद्रमा को हमने मामा की संज्ञा दी है, पर्वतों को हम पूजते हैं, नदियों को हम माता मानते हैं, वृक्षों के अंदर 33 करोड़ देवता होते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति की महानता है, तभी जाकर के आज विश्व के अंदर अपने इस भारत देश का नाम है। नहीं तो नेता नहीं कर सकते हैं साहब। मैं नेताओं से और वर्तमान सरकार से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि आप गाय के लिए कुछ कीजिए, संतों के लिए कुछ कीजिए, धर्म के लिए, आध्यात्म के लिए कुछ कीजिए, यज्ञ के लिए कुछ कीजिए, प्राकृतिक चिकित्सा के लिए कुछ कीजिए, तभी जाकर के अपना भारतवर्ष, सनातन धर्म ये विश्व के अंदर उस गुरु पदवी को प्राप्त होगा। नहीं तो सिर्फ जय जयकार करने से कुछ नहीं होगा। जिस भारतवर्ष के अंदर लाखों की संख्या में इस पृथ्वी के ऊपर गौ माताएं कत्लेआम हो जाती है और उसका रक्त टपकता है इस पृथ्वी के ऊपर, और हम देश के नेता और देश की सरकारें कहती है कि साहब भारत का बहुत बड़ा विकास हो रहा है। मैं कहता हूँ कि विकास हो रहा है लेकिन बहुत कम विकास हो रहा है। हमको विकास चाहिए, गौ माता का विकास चाहिए, हमको विकास चाहिए, संतों का विकास चाहिए। बापू के भक्तों को एक संदेश देना चाहता हूँ, मैं भी बापू का भक्त हूँ, संदेश ये देना चाहता हूँ कि हमको एकजुट होकर के अपनी संस्कृति के लिए, धर्म के लिए आंदोलन करना पड़ेंगे, और जो जन नेता है, जो हमारे पंच से लेकर के सरपंच और जो जनप्रतिनिधि है, उनको भी जागृत करने की आवश्यकता है, उनके पास में जाकर के ये धर्म और संस्कृति की बातें बताने की आवश्यकता है। सिर्फ वोट लेकर के, पद लेकर के बैठ करके कोई भोपाल चला गया, कोई दिल्ली चला गया, जाकर के सिर्फ बैठ गए, 5 साल निकाल दिए, आपने धर्म की बात नहीं करी, संस्कृति की बात नहीं करी। मैं जन सामान्य बापू के भक्तों के साथ साथ मैं जन सामान्य हिंदू सनातनियों को भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हिंदू हित की बात करेगा वही देश के ऊपर राज करेगा। बहुत सी बातें ऐसी हिंदू सनातनियों के लिए अभी तक हुई नहीं है, इसलिए हमको एकजुट होकर के
इस प्रकार के कार्य करना पड़ेंगे, तभी जा करके हमारा देश सुरक्षित रह पाएगा, हमारा राष्ट्र सुरक्षित रह पाएगा।